एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दिन वह होता है जब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और हर दिन हम सभी चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमारे लिए हर एक दिन एक सफल दिन होना चाहिए। और इसके लिए हम सभी चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम अपनी जॉब में हों, किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं, उस कार्य में अगर हम अपने सोचे हुए लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमें जो खुशी की अनुभूति होती है, हमें जो हैप्पीनेस फील होती है, वह बहुत ही अलग लेवल की होती है। लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम में से 99% लोग, 95% लोग अपने सोचे हुए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण ये होता है कि हम अपने छोटे छोटे टारगेट्स को, छोटे छोटी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते। और इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए एक चीज ऐसी है जो हमारे लिए शत्रु का काम करती है। दोस्तों, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं, हम पूरी तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन हम पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते। और अगर हम शुरू कर भी देते हैं तो हम लगातार हर दिन उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी हमें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि भगवान ने हम सभी को एक चीज समान दी है और वह है हमारा दिमाग, जो कि सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। क्योंकि दोस्तों, मानव ने ही सुपर कंप्यूटर जैसे यंत्रों को बनाया है। आज मानव की ही देन है कि आज हम सभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम बात करेंगे कि अपने इस शत्रु को, अपने मन को किस तरीके से हम वश में करें, जिससे कि हम अपने सोचे हुए लक्ष्य को हर दिन उसके तरफ कदम बढ़ाएं और अपने सोचे हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि आप एक बात जान लें, आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपने अपने जिंदगी में सोचे हुए टारगेट को अचीव नहीं किया तो आपको कोई भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आपके मन में बार बार वो चीजें चलती हैं। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि जो हम लक्ष्य को सोचते हैं उस लक्ष्य की तरफ हम अपने कदम नहीं बढ़ाते। आज के इस वीडियो में मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि मन को किस तरीके से आप कंट्रोल करें। दोस्तों, भगवद गीता जो कि एक बहुत ही एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के हर प्रश्न का हल है, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है और मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जवाब देते हैं कि हाँ पार्थ, बिल्कुल मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन मन को वश में करने का एक तरीका है, वह है अध्यात्म, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, अध्यात्म से बहुत सारे लोग डेविएट हो जाते हैं, गलत गलत धारणाएं बनाते हैं कि अध्यात्म का मतलब है कि आपको संसारी चीजें छोड़ करके एकांत में चले जाना है, जंगलों में चले जाना है, ऋषि मुनि बन जाना है, सन्यासी बन जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म का मतलब ही है कि अपने अंदर आप कैसे झांकते हैं, आप अपने अंदर इंटरनल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जो इंटरनल बैलेंस आप अपने अंदर बनाएंगे, वही एक्सटर्नल चीजें आपको भी और ज्यादा मदद करेंगी अपने टारगेट तक पहुंचने में। अध्यात्म के अंदर आप इस बात को जानते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और आप अपने अंदर आत्मसंतुलन कैसे बनाते हैं। अध्यात्म से आप ये सीखेंगे कि आप किसी भी समय विचलित नहीं होंगे, हमेशा अपने टारगेट के प्रति आपके अंदर एक जुनून होगा और आप अंदर से बहुत ज्यादा शांत होंगे, काम होंगे, कंपोज होंगे और कॉन्सेंट्रेटेड होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। तो बात आती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़ें। देखिए, आज की इतनी फास्ट लाइफ है, हर कोई अपने टारगेट में लगा हुआ है, समय हमारा किस तरीके से बर्बाद हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। अध्यात्म के थ्रू अगर हम चाहें तो इन सारी चीजों को, अपने मन को इस तरीके से बैलेंस में करें कि हम 24 के 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति वही कार्य करेंगे जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी है। दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, सॉल्यूशन हम बाहर बाहर खोजते हैं, तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह की यहाँ पे हम उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम लंबे समय तक सॉल्व नहीं होती। तो उसका कारण यही है कि हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि कमी हमारे में क्या है। हम अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने माता पिता को, चाहे जो भी किसी भी एक इंसान को हम गलती देते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।
अगर हम आत्ममंथन करें, सेल्फ एनालिसिस करें, तो हम ये पाएंगे कि कमी हमारे ही अंदर है। हम अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित नहीं है, दृढ़ संकल्प के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको अध्यात्म के अंदर आत्म संतुलन को अपने अंदर लाने की जरूरत है। अगर आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर इंटरनल बैलेंस लाना होगा, और इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट यहां पर नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रकृति के बीच में रहेंगे, सही रूटीन से चलेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे, स्पिरिचुअलिटी की चीजें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चाहे मेडिटेशन हो, ध्यान लगाना हो, इससे होता यह है कि हम अपने अंदर अपनी क्षमता को जान पाते हैं। दोस्तों, आप मानव की क्षमता का ध्यान इसी से लगाइए कि आज मानव ने ऐसी चीज बना ली है जिससे की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी मानव जाति भी खत्म हो सकती है। तो बिल्कुल, मानव का दिमाग बहुत ही तेज है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी मानव का दिमाग होता है, और इसीलिए आप ये देखें कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, फिर आपका बेस्ट वर्जन निकल कर आएगा और किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी के साथ आप प्राप्त करेंगे। समस्या ये है कि आप अपनी क्षमता को, आप अपनी प्रतिभा को जानते नहीं हैं। इसको जानने के लिए ही आपको थोड़ा इस चीज़ में आना चाहिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इन चीज़ों में, नहीं, ये होता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बात यह है कि आप अपने आप को इंटरनली किस तरह से ग्रो करते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मन को वश में करने के लिए, दोस्तों, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए, अपने हर टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने परिवार APN क्लासेस से आज ही जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।